हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सभी कोई अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है हैप्पी तीज, हरतालिका तीज, जिसको तीजा भी बोला जाता है। तो बस आज हम लोग उसका फास्ट है। चेहरे से समझ में आएगा वो आप लोगों को कि फास्ट है आज। तो ये व्रत है, थोड़ा कठिन हो जाता है व्रत ये। इसमें पानी और ये सब पीना नहीं है, निर्जला रहना पड़ता है। तो हम लोग कल नाइट से 12 बजे से फास्ट हैं, अभी भी है उसी तरह। और बस अब टाइम हो रहा है 4:30 बज रहा है इवनिंग का। तो अभी हम लोग करेंगे पूजा। तो मैंने सोचा आपको मैं दिखा देती हूँ कि कौन सी मैं साड़ी पहनने वाली हूँ। और सिंपल सा, कोई ऐसा भारी मेकअप वगैरह नहीं है, सिंपल सी साड़ी का लुक दूंगी बस। और ये देखिए मेहंदी, ये मेहंदी मेरी बेटी ने लगाई है मुझे दोनों हाथों में। तो मेहंदी आपने देखी, ये देखिए। और एक में पीछे लगाया, एक में नहीं, क्योंकि बहुत रात हो गई थी, 1:30 बज गया था, 1:30 हो गया। बस सिंपल सा और ढेर सारे मैंने मुझे दिखा। और ये वाली साड़ी पहनूंगी आज मैं, सिंपल सी है बिल्कुल, ऑरेंज कलर की है, जिसका बॉर्डर है इसमें ना, बॉर्डर में पीकॉक बने हुए हैं ऐसे, देखो देखिए इसमें पीकॉक बने हुए हैं। और इसका ब्लाउज ना, इसका ब्लाउज बहुत सुंदर है, बैक में ब्लाउज इसका बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो मैं यही वाला पहनूंगी। और इसकी सेट की चूड़ियाँ मैं ढूंढ रही थी, नहीं मिल रही थी, लास्ट में मिली मुझे, तो बस ऐसे मैच करके मैं पहनूंगी। ये देखिए ऐसे पहनूंगी, ये दो ऑरेंज और ये गोल्डन है इसमें, तो इसका गोल्डन तो मैच करूंगी गोल्डन कलर का। तो बस इतनी चूड़ियाँ बहुत हैं पहनने के लिए बस। और ये सब अभी रख दूंगी मैं, ये सब मैं आपको दिखाऊंगी किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, अपने कंगन का कलेक्शन, कंगन मेरे पास बहुत है उसका कलेक्शन। ये आज मैं पहनूंगी पायल, पायल मैं पहनती नहीं हूँ, हमेशा नहीं पहनती पायल मैं, मतलब पसंद है बट नहीं पहनती हूँ मैं। और ये पायल कैसी लग रही है आपको बताइएगा। अभी न्यू पायल है, अभी मैं गई थी मम्मी के यहाँ ना, तो मम्मी ने दी थी मुझे ये पायल। तो ये देखिए कितनी अच्छी है। और ये शायद पायल मेरे लिए ना मेरी भाभी के यहाँ से आई थी, भतीजा होता है ना तो उसमें दिया जाता है, तो ये शायद पायल वहाँ से आई थी मेरे लिए, मैं नहीं पहुँच पाई थी, तो ये अभी दिया था मम्मी ने। तो मैं इसको, ये नया है तो मैं इसी को इस टाइम पर पहनूँगी पैर में। और ये बिछुए भी हैं, देखो बिछुए भी हैं चार, तो इसका बाद में ये पूरा बस। यहाँ हो रही है जोरों की बारिश, तो प्यास तो नहीं लग रही है, वीकनेस लग रहा है क्योंकि कल रात से पानी नहीं पिया है, तो थोड़ी वीकनेस महसूस हो रही है। और देखते हैं कैसे रहेगा, और आपके साथ जो होगा आगे का वो शेयर करूँगी। तो ये मैं यहाँ देखी थी, मुझे भी पहनना है ना, तो ये सब मैं साथ में रख लेती हूँ ताकि मुझे फटाफट पहनने को मिल जाए। और पूजा का सामान ज़्यादा कुछ इस बार है नहीं, तो ये एक मेहंदी तो एक्स्ट्रा है इसमें, क्योंकि लगाने के लिए मंगाया था, एक पूजा के लिए है, तो ये पूजा के लिए मेहंदी। और रेड कलर की चूड़ियाँ, ये रबर पैन है, बिंदियाँ हैं छोटी छोटी। और कपड़ा नहीं ले पाई इस टाइम, तो एक छोटा सा रुमाल मैंने मंगा लिया है पूजा के लिए, नया चढ़ता है पूरा, ये देख सकते हैं आप, छोटा छोटा सब सामान पूजा के लिए। तो बस अभी इसको जब मैं थाली में सजा लूँगी तो आप लोगों को जरूर शेयर करूँगी, इसको मैं दिखाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे मैं कुछ टाइम में, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ।
और यहाँ पे मैं रेडी होकर के पैरों में जो कलर लगाते ना वो कलर लगाने लग गई थी आलता, तो बस ये कलर लगाने के बाद मैं थोड़ा बहुत रेडी होंगी। और ये अभी मैं कंगन पहन लेती हूँ, अपने चूड़ियाँ जो पहनना था मुझे, तो चूड़ियाँ मैं पहनने लगी थी। और स्टार्ट में शायद आप लोगों को थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी मेरी वीडियो में, तो इग्नोर करिएगा क्योंकि बारिश हो रही थी ना बहुत ज़ोरों से, तो बारिश की आवाज़ आ रही है उसमें। और ये कंगन देखिए जो पहनना था मुझे, तो ये कंगन अभी मैं पहन ले रही हूँ और बस फटाफट रेडी होकर के पूजा करने जाएंगे अभी हम लोग मंदिर में, क्योंकि सुबह से हो मतलब नाइट से हो गया है बगैर पानी के ना, तो अभी तो वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही थी इस टाइम पे, तो मन नहीं कर रहा था। बारिश भी बहुत ज़ोरों से हो रही है, बट कुछ थोड़ा बहुत तो रेडी होना पड़ता है, पूजा करने जाना था मंदिर में। और इस टाइम ना पूजा करने भी बहुत सारी लेडीजें वगैरह नहीं आ रही हैं क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तो सब कोई ज़्यादातर अपने घरों में ही कर रहे हैं। मैंने भी घर में पूजा पहले कर ली है अपनी, जो श्रृंगार वगैरह का सामान है उसको मैंने घर में चढ़ा दिया था, और अब जो शंकर जी को जल चढ़ाने हैं ना वो चढ़ाने के लिए मंदिर जाएंगे खाली। और ये यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ।
और अपने ब्लॉग का मैं यहीं से करूँगी एंड। और तो संपन्न हो गई है पूरा पूरी पूजा हमारी, तो बस यहीं से मैं अपने ब्लॉग का एंड कर दूँगी। इसके आगे का आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी कि हमने व्रत कैसे तोड़ा वगैरह। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग मुझे बताइएगा ज़रूर, और पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नहीं है मेरे चैनल में तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार। और मैं अपने ब्लॉग का करूँगी यहीं से एंड। इसके आगे का मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊँगी। तो बस हमारी पूजा संपन्न हो गई है, पूजा पूरी तरह से कंप्लीट। और अब मैं इसके आगे का आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। तो सभी को मेरी तरफ़ से ढेरों शुभकामनाएँ हरतालिका तीज की। थैंक यू।